जितने देर हो सके सांस आपका नॉर्मल हो, वहाँ पर आपने सांस रोका हुआ तो ऊपर आते हुए सांस छोड़ दिया, आप सांस नॉर्मल हो और अपनी तवज्जो को इसे उंगलियों पे मरकूज रखें। चालीस सेकंड या एक मिनट तक आप ये रुक सकते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा सकते हैं, इस अमल को दोबारा जारी कर सकते हैं। चाहते हुए सांस ले करें, दोबारा ये अमल करें। आप रिलैक्स हो और रिलैक्स आसन करें, अपने ढीला छोड़ दे बॉडी को। और फोकस करें, आप रिलैक्स हो रहे, बहुत डीपली रिलैक्स हो रहे। अपनी तवज्जो को रिलैक्सेशन पे मरकूज रखें। सोचे बॉडी के हर हिस्सा रिलैक्स हो रहे और सुकून हो रहे, तरोताजा हो रहे। और आप आहिस्ता आहिस्ता
के उंगलियों को हिलाए और पाँव के उंगलियों को और ऐसा ऐसे इस कैफियत से बाहर आए। और अब आप अपने दोनों पाँव को योग करते हुए हाथों को योग करते हुए गहरा सांस ले है, लेकिन फिर ऊपर सांस छोड़ते हुए ऊपर आए। सांस नॉर्मल है आपका और वापस नीचे जाए। फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर है, सांस नॉर्मल हो, और आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाए। इससे बहुत फ़ायदे हैं, इसे जो फ़ायदे मैंने बताए थे, द पावर ऑफ माइंड एंड कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, और ये जो है ना एक्स्ट्रा फैट्स को ख़त्म करने के लिए, और दूसरे जो है ना टेंशन डिप्रेशन जो है उसके लिए, और शादी का पेन जो भी है, प्रॉब्लम्स है सभी रिशो का, इसको दूर करने, इसी उलझनों को दूर करने और अच्छी नींद लेने के लिए और फिट और स्मार्ट रहने के लिए है ये सारे आसन। अब जो है आप हाथ उसी तरह और हाथ यहाँ पर रखें और ये झूलते हुए ना सांस इसके बाद आप जो है ना पांव को यहाँ पर रखें और ये हाथ यहाँ पर रखें अपने तवज्जो को दोनों पांव के हथेलियों पे मरकूज रखें। इससे मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ते हैं इस आसन से, और ये हाथों को यहाँ पर अपने तवज्जो को उस पर मरकूज किया, अपने पाँव के हथेलियों पे, और फिर गहरा सांस लिए। जितना हो सके ऊपर उठे। इस दौरान आंखें बंद वापस आए। फिर thank you.
इंसान की कामयाबी और नाकामी तमाम अल्लाह ताला ने डाली हुई उनके सलाहितों में। हमें अल्लाह ताला ने दो रास्ते नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारे जो एक रास्ता है जिस पे हम चल रहे पॉजिटिव सुकून के रास्ता, लोग सुकून की तलाश में होते हैं, सुकून के तलाश में क्या क्या नहीं करते हैं लेकिन सुकून हासिल नहीं होते। सुकून के तलाश में निकलते हैं, कोई आदत करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, कोई कुछ और नशीली चीज़ें लेते हैं। तो सुकून कैसे हासिल किया जाए? सुकून हमारे करीब है, हमारे अंदर है। और अब मैं जो आसन आपको बता रहा हूँ वो बहुत सुकून का है, जो आपको बहुत सुकून ले आते हैं और आपको अपने दुनिया में ले जाने का कोशिश करता है, यानी अपनी दुनिया के आपके जानने का, जिस तरह के माइंड के कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस है और रूहानियत में लताइफ है, इसे लताइफ कहते हैं, चाक्रा पावर्स कहते हैं। तो इस पावर्स को जानने के लिए, इस पावर को लेने के लिए हम एक आसन करेंगे। ये आसन है कि आप इस हालत में या इस हालत में या इस जो आपको ईजी है इस हालत में है या इस हालत में, लेकिन ये आपने यूँ रखना है। ये ज़्यादातर जो है ना कुछ योगी कहते हैं कि आप इस हालत में रहें अच्छा है, ट्राइंगल बनता है, वो कहते हैं एक ट्राइंगल शेप बनता है इसका यू करते हुए, और कुछ योगी कहते हैं कि ये हालत सही है ताकि आपकी ये जो हिस्से जो है ये नीचे से चस्प के हो और ये बेहतर है। लेकिन मैंने महसूस किया कि दोनों कैफियत ठीक है, लेकिन ये कैफियत जो है ये बहुत अच्छा है। ये मैंने महसूस किया कि ये अच्छी कैफियत है कि आप इस तरह के बैठ के ना ये हाथों को यहाँ पर रख कर और आप हाथों से ना ये दो उंगलियों से अपने मुंह को बंद रखें, दोनों लिप्स को पकड़ के यूँ, दोनों लिप्स को यूँ पकड़ के, और इस उंगली से ये दोनों बंद किया जाए, बिल्कुल बंद हो जाए। और फिर आप जो है इस उंगली से आप अपने आईज को बंद करें, यानी अपने बैरूनी जो भी कुछ है तमाम के तमाम बंद करें, मुंह, नाक, आंखें और कान, ये सब चीज़ जब आप बंद करते हैं तो सुकून की कैफियत में इंसान चले जाता है, दुनिया से कट अप हो जाता है, कट जाता है। और तवज्जो भी रखे अंदरूनी जो हो रहे, जो अंदर की दुनिया जो सुन रहे, योगियों के लिहाज से आप अंदर की दुनिया को सुन लो और उसके आवाज़ को सुन लो। तो यू करते हुए इस अंगुली से ये देखे, इससे ये कानों के ये पर्दे ये रखी यू, यानी आवाज़ बंद करनी है, अपने आवाज़ को बंद करनी है, यू आवाज़ बंद कर। जितने देर हो सके सांस भी रुक ले, सारे कुछ ना अंदर हवा देनी चाहिए ना बाहर, और ना ही कुछ सुनने चाहिए आपको, तो फिर ये आप महसूस करेंगे कि वाकई अंदर उन्हें सुकून मिलता है। इसके बाद